मेरे पास पानी से भरे हुए ये चार गिलास और कुछ नमक, चीनी, आटा और कुछ रेत है। मैं इनमें से प्रत्येक पदार्थ को पानी के साथ मिलाने की कोशिश करूंगा और मैं चाहता हूं कि आप देखें कि क्या होता है। तो ये चारों अब मिश्रण बन गए हैं। एक मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं। जैसे इस पहले वाले मिश्रण में नमक और पानी है, इसमें चीनी और पानी, इसमें आटा और पानी है और इसमें रेत और पानी है। तो ये सभी मिश्रण हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि आप इनमें कुछ अंतर देख सकते हैं, है ना? हर मिश्रण एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। आइए इन्हें और करीब से देखें। यह नमक और पानी का मिश्रण है, लेकिन क्या हम नमक को देख पा रहे हैं जो हमने इसमें मिलाया है? नहीं, है ना? हम इसमें नमक नहीं देख सकते, यह पूरी तरह से लुप्त हो गया है। आइए दूसरे मिश्रण को देखें, यानी चीनी और पानी का मिश्रण। यहाँ भी हम चीनी को नहीं देख सकते, है ना? यह पूरी तरह से घुल गई है, पूरी तरह से पानी में मिल गई है। हालांकि ग्लास की तली में थोड़ी सी बची है, लेकिन यदि हम इसे थोड़ा और मिलाएं तो यह भी धीरे धीरे पूरी तरह से घुल जाएगी। तो इन दोनों मिश्रणों में एक बात सामान्य है, यानी पानी और नमक तथा पानी और चीनी के मिश्रण में, वो यह है कि हम उस नमक या चीनी को नहीं देख सकते जिसे हमने पानी में मिलाया है। और इस प्रकार के मिश्रण जिनमें घटक पूरी तरह से घुल जाते हैं, पूरी तरह से मिल जाते हैं, उन्हें देखा नहीं जा सकता, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। आइए अब हम अन्य दो मिश्रणों पर एक नजर डालते हैं। तो यह आटा और पानी का मिश्रण है जिसमें हमने आटे को पानी के साथ मिलाया है। यहाँ हम क्या देखते हैं? हम इसमें आटे को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, है ना? यह पानी में मिला नहीं है, घुला नहीं है, वास्तव में यह गिलास की तली पर जम गया है। ठीक है, आइए अब अंतिम मिश्रण को देखते हैं। यह भी आटे के मिश्रण की तरह ही है ना? रेत गिलास में नीचे जम गई है, यह पानी में घुली नहीं है। तो इस प्रकार के मिश्रण जिनमें अवयव पूरी तरह से घुलते नहीं हैं और घटकों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे मिश्रण में आटे और रेत को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ऐसे मिश्रणों को विसमांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसे समांगी और विसमांगी मिश्रणों के और भी कई उदाहरण हैं। अब आप भी अपने आसपास के ऐसे कुछ उदाहरणों को पहचानने की कोशिश कीजिए।